आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जॉइन फर्स्ट। गुड मॉर्निंग, आ जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सभी लोग आ जाइए। चीजें आ गया कोई कि नहीं आए अभी तक आप लोग? अच्छा आ गए, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग एमपी का जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आई होप कि कल से जो बेटर रहा होगा सेशन के लिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहा था फेस, तो लाइटिंग ठीक है और वॉइस क्लियर है कि नहीं है प्लीज़ टेल मी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैं ऑडिएबल हूँ या नहीं और लाइटिंग क्लियर है या नहीं, दो चीज़ों के बारे में पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, उसके बाद अपन लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। ये पीछे कौन है? पता नहीं, मेरे ही कपड़े पहन के कौन बैठा हुआ है। पहले से क्लियर है? चलिए, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं कल से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगे, चीज़ों को रेगुलर हम लोग अपडेट कर रहे हैं, है ना? तो आई होप कि ये सेटअप पहले से बेटर रहेगा, चीज़ों को कुछ नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए पहले थे वही मैंने रखे हैं, थोड़ा सा मैंने उनको कम करने की कोशिश की है। बाय द वे, रेगुलर क्लासेस आप लोगों को सुबह 9 बजे और शाम को आप लोग कितने बजे मिलेगी? 9 बजे, है ना? दोपहर की क्लास जो आप लोगों की 12 बजे थी, डिटेल वाला सेशन, उसको मैं बहुत ही जल्द रिकॉर्डेड फॉर्मेशन में एक नए तरीके से डालूंगा। तो अभी 12 बजे की क्लास की छुट्टी रहेगी कुछ दिनों तक, ठीक है? क्योंकि उसको मैं नए सेटअप के अकॉर्डिंग जब तैयार कर लूंगा तब मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से डालूंगा, जिससे आप लोगों को हर एक जिला अच्छे से समझ में आ सके। तो थोड़ा सा कॉपरेशन उसमें मुझे देना। चलिए, आप सब कुछ क्लियर है ना? तो शुरुआत कर सकते हैं, सब लोग आ जाएं प्लीज। यार शेयर तो कर दो, तुमको पता है कि मैं हर रोज तुम्हारे लिए नए नए प्रयास करता रहता हूँ। आई नीड योर सपोर्ट। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद मजा नहीं आएगा। जो चीजें मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, जो कुछ मैं आप लोग के लिए करना चाह रहा हूँ, वो फीलिंग नहीं आती है और कोई बात नहीं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जुड़ जाएं जितना जल्दी हो सके और मित्रों को बुला लीजिए जिससे हम शुरुआत कर सकें। हो सके तो बुला लीजिए। ओफो, ग्लास मुझे बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, यदि ये मैंने नहीं लगाया तो समझ लीजिए एक दो बच्चों के गलत कमेंट पड़े जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज मध्य प्रदेश जी के। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्वेश्चन को आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि शिक्षा गारंटी योजना, व्हेन वॉज द एजुकेशन गारंटी स्कीम, आप लोगों का मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब आप लोगों की शुरुआत की गई थी? ये जो शिक्षा गारंटी योजना आप लोग की है, इस योजना के तहत इस तरीके का डिसीजन आप लोग का लिया गया था कि किसी भी ग्रामीण इलाके में 1 किलोमीटर के दायरे में आप लोग का स्कूल होना चाहिए और कोई भी विशेष इलाका यदि स्कूल की रिक्वायरमेंट करता है तो 90 डेज के अंदर वहां आप लोगों का स्कूल जो है बन जाना चाहिए। इस तरीके की बात इसमें रखी गई थी। किस वर्ष मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना लाई गई, ये आप लोगों को बताना है। सभी लोग आंसर दीजिए, आप लोगों का कौन सा राइट आंसर रहेगा, कौन सा इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। सैलेश हैं, शिव, क्या नाम से आ रहे हैं भैया, शिव पटेल, प्रियंका, प्लीज सभी लोग, नोटिफिकेशन नहीं आया क्या क्लास का? हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने तो शेयर किया है, सभी को क्लास का नोटिफिकेशन आया कि नहीं? तो सभी विद्यार्थी इसको सन 2000 में ले जा करके जोड़ रहे हैं। वास्तविकता में आप लोगों का ये जो योजना की शुरुआत की गई थी वो कब इसकी शुरुआत की गई थी, 1 जनवरी 1997, कब शुरुआत की गई थी, 1 जनवरी 1997। और इस योजना के तहत ये बात रखी गई थी कि किसी भी आवासीय इलाके में लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए और यदि कोई स्कूल की रिक्वायरमेंट करता है तब इसको हम 90 डेज के अंदर स्कूल उपलब्ध करवाने की बात बोली गई थी, ठीक है? चलिए, दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जाएगी दिव्यांगजनों?
दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप लोगों के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले हमारे यहाँ आए हुए थे। तब उनके द्वारा इस तरीके के डिसीजन लिए गए थे। ये लोकेशन भी मैंने आप लोगों को बता देना चाहूंगा। यदि आप लोग ग्वालियर से हैं तो परीक्षा भवन आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है ना? तो वो इसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। कोविंद जी आए थे जब इनके द्वारा व्हील चेयर बांटी गई थी दिव्यांग जनों को। तो यहाँ पर इस केंद्र की स्थापना 2019 में आप लोगों का अनाउंसमेंट किया गया था और 2021 तक इसको कंप्लीट किए जाने की बात की गई थी। ये आप लोगों का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आप लोगों के खोले जाने की बात की गई है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग निशा जी, आई होप कि सब चीजें बेटर रहेंगी, पहले से क्लियर होगा सब कुछ, है ना? राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए? राज्य महिला आयोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात बोली है ना। बाकी में मेहनत करनी पड़ेगी तब जा करके कुछ हासिल होता है। न्यू सेटअप, आई होप कि आपको पहले से बेटर लगा होगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं या मेरे मोबाइल में दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। बात यदि राज्य महिला आयोग की जाए तो ये महिला आयोग में आप लोगों के टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक आप लोगों का गवर्नमेंट ऑथराइज रहता है और 6 आप लोगों के प्राइवेट रहते हैं। जो आप लोगों का गवर्नमेंट ऑथराइज रहता है उसको वो लोग मंत्री का दर्जा देते हैं, और 7 जो आप लोग के हैं वो उनके सहायक मंत्री, इस तरीके का दर्जा उनको दिया जाता है। राज्य महिला आयोग ये जो आप लोगों का है, किस सन में इसकी स्थापना की गई थी? तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। वेरी गुड, कुछ कुछ लोगों ने दिया है। ये जो की गई थी 1998 में की गई थी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। यानी कि वी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? अगला आप लोग मुझे बताइए कि जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना, जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए कहाँ पर की गई है? थैंक यू सो मच। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, सेंट्रल की साइड से 1998, स्टेट 1998। वेरी गुड। ये बताइए आप लोग, जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोग बताइए कहाँ पर आप लोग की गई है? इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर आप लोगों की मौजूद है ये आप लोगों को बताना है, फटाफट बताइए। वेरी गुड। ऐशानी, चंचला, शिव पटेल, सेजल, विवेक, सब लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इसमें जो आप लोगों का एग्जैक्ट और राइट आंसर रहेगा वो आप लोगों का कौन सा है? पचमढ़ी, यानी कि वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ये जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी आप लोगों का है वो जुलाई 2008 में आप लोगों का अस्तित्व में आई थी। जुलाई 2008 में आप लोगों की इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर अमरकंटक वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, अमरकंटक से दो महत्वपूर्ण नदियां भी आप लोगों की निकलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और सोन। नर्मदा जो आप लोग का है वो पश्चिम की ओर बह जाती है, और सोन जो आप लोग का है वो ऊपर बिहार की ओर चली जाती है, ठीक है? तो इन दोनों नदियों के बीच में 8 किलोमीटर का गैप है, शायद ये भी आप लोगों को याद रखना ही होगा। बात यदि की जाए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर आप लोगों का मौजूद है बताइए? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर आप लोगों का मौजूद है? विधि समझते हो, मतलब कानून बनाने का, लॉ बनाने का सिस्टम वहां पर तैयार किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर इस विश्वविद्यालय को खोला गया है? वेरी गुड। बताइए आप लोगों का कहाँ पर आप लोगों का मौजूद है? इंदौर, भोपाल, सागर या ग्वालियर, फटाफट बताइएगा। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, तो ये जो आप लोग का है कहाँ पर है? भोपाल में आप लोगों का मौजूद है। सभी लोग दे रहे हैं आंसर, वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। इसको वर्ष 1997 में हम लोगों ने अस्तित्व में लेकर के आए थे, वर्ष 1997 में इसको हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है? बात यदि आगे की जाए तो बताइए लोकसभा सीट जो आप लोग की रहती है उनकी संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन मध्य प्रदेश, लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी होने वाली है या कितनी है आपको ये बताना है। लोकसभा की भी बताइए, सिक्वेंस से बताना है ना, पहले लोकसभा की, फिर राज्यसभा की, फिर विधानसभा की, ठीक है? यदि बता सको तो। लोकसभा की तो आप लोग बता ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भोपाल को हम लोग झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने तारों का शहर तो सुना ही होगा, है कहीं ना कहीं बनवाना तो पड़ेगा तारों का शहर, तब जाकर के चीजें आप लोग की बेहतर तरीके से मेंटेन होंगी।
क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या की जो बात की जा रही है, वो नंबर कितना रहेगा? 29 आप लोग का रहेगा। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है आप लोगों का? 29 है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सिक्वेंस से भी सब लोगों ने सही बताया। लोकसभा की 29 है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230, और प्लस वन जो एंग्लो इंडियन की कहते हैं, लेकिन बाकी में आप लोगों को 230 ही एग्जाम हॉल में लिख करके आना है। यहाँ जो लोकसभा की 29 सीटें हैं, उनमें से 4 आप लोगों का एससी वालों के लिए और 6 आप लोगों का एसटी वालों के लिए रिजर्व है। ठीक, चलिए। इंदौर और ग्वालियर में जो आप लोगों का हाई कोर्ट की ब्रांचेस ओपन है, जबलपुर में आप लोगों का मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो इसकी शाखाएं कह सकते हैं ग्वालियर और इंदौर में आप लोगों की हैं। ये किस वर्ष आप लोगों की स्थापित की गई थी? 1956, वर्ष 2000, 1968 या 1948? बताइए किस वर्ष इसकी स्थापना आप लोगों की गई थी। ये दो आप लोगों की शाखाएं हैं, किस वर्ष आप लोगों की? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चित्ररेखा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओम बिरला स्पीकर है। चलो, हाँ, एंग्लो इंडियन की खत्म कर दी गई है, इसीलिए आप लोगों का एग्जाम में यदि आता है, क्योंकि अभी भी काफी सारी बुक्स में 230+1 लिख करके आ रहे हैं, और न्यू न्यू जो आ रही है उनमें भी लिख के आ रहा है, तो प्लीज आप लोग अपने आप में 230 ही लिखना है, इसीलिए मैंने उसको बोल दिया है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का देखा जाए किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1968 यानी कि 1968 में जो आप लोगों का है, ग्वालियर और इंदौर की ब्रांचेस आप लोगों की ओपन की गई थी। यदि वास्तविकता में जो जबलपुर वाला हाई कोर्ट है वो 1956 में आप लोगों का इस्टेब्लिश हुआ था, और इसी के कारण से इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश के न्यायिक राजधानी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। न्यायालय यहाँ पर मौजूद है, इसी कारण से इसका प्राचीन नाम भी आप लोगों से पूछा जाता है, महाकौशल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबलपुर में आप लोग की जो है सबसे ज्यादा सुरमे का भी उत्पादन होता है, जबला ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया था। काफी सारे छोटे छोटे फैक्ट और काफी सारे यंत्र यहाँ पर कह सकते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला बताइए आप लोग। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एरिया यानी कि आप लोगों का जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का आप लोगों को क्रम बताना है कौन सा है। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम कौन से स्थान पर हैं, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों को बताना है। बताइए कौन सा आप लोगों का सिक्वेंस राइट आंसर रहेगा, कौन सा आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, सब लोग मुझे ये तो बता दो यार कि ये जो डिजिटल बोर्ड है वो ठीक रहा कि नहीं रहा, है ना, ये डिजिटल बोर्ड लाना ठीक रहा कि नहीं रहा। अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से सेटल्ड है अभी। यदि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इधर जाके लिखता ना, ऐसा ऐसा करके, ना समझ रहे हो बात को। फिलहाल तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड प्रियंका पटेल जी, क्या बात है। जनसंख्या भी अपन को याद है, 7, 26, 26, 809। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम लोग 5वें स्थान पर हैं, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 2रे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर आप लोगों का राजस्थान आता है, कौन सा आता है? राजस्थान। और इधर आप लोगों का कौन सा आता है? इधर जो आप लोगों का आई थिंक यूपी आता है ना जनसंख्या में। अच्छा, ये बताइए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला आप लोगों को बताना है, सबसे छोटा जिला आप लोगों को बताना है एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। अब एमपी को अपन बहुत मजबूत करेंगे, है ना, एग्जाम आने से पहले पहले अपन एमपी को थोड़ा सा बूट करेंगे। ठीक, क्योंकि 12 बजे की क्लास तो मैंने बंद कर रखी है अभी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं उसमें एनिमेशंस के माध्यम से जिलों की सीरीज बनाऊंगा, तो वो बहुत अच्छी लगेगी, आप लोगों को पसंद आएगी। मैं आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते हो कभी, है ना। तो अभी वर्तमान दृष्टि से आप लोगों का देखा जाए, निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर के आप लोगों का बना था और 1312 किलोमीटर में लगभग आप लोगों का फैला हुआ है, निवाड़ी यानी कि बी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का ओरछा यहीं पर आप लोगों का मौजूद है, निवाड़ी आप लोगों का ओरछा यहाँ पर मौजूद है, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो बेतवा नदी के किनारे आप लोगों का ये बसा हुआ है। किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, मध्य प्रदेश का पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, हु इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। बताइए मध्य प्रदेश का पहला फाइनेंस मिनिस्टर, फटाफट आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है ना, आंसर देने में कोई कंजूसी आप लोगों को नहीं करना है।
वेरी गुड, बताइए फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों के कौन थे और वर्तमान में कौन है, शायद ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जब 1956 में आप लोगों का अच्छे से गठन हुआ था, तो उस टाइम पर आप लोगों को बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों के कौन थे। तो मिश्री गंगवाल, यानी कि जो आप लोगों को ए वाला जो राइट आंसर दिख रहा है, ये आप लोगों का राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में यदि आप लोग बता सके तो और ठीक रहेगा। वर्तमान का नाम तो यहां पर नहीं है, अभी वर्तमान में कौन है, जगदीश। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आप लोग की सागर में मौजूद है, जहां पर नवीन पुलिस वालों को प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरीके से आप लोगों को रोक करके और कॉर्नर में ले जाना है, कि भाई साहब देखो ऊपर तक बात जाएगी तो ज्यादा पैसे लगेंगे ना, हमसे सेटलमेंट कर लो, सारी ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों की। तो आप लोग बताइए आप लोगों का इसका स्थापना कब किया गया था। सागर जिले की बात चल रही है, सागर जिले में आप लोगों का नौरादेही भी मौजूद है, जो कि सबसे बड़ा अभयारण्य आप लोगों का है, सबसे छोटा आप लोगों का राला मंडल जो कि इंदौर में मौजूद है ना। सागर इतना छोटा नहीं है, सागर अच्छा है। फिलहाल आप लोगों को जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी आप लोगों की, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी वो आपको बताना है, बताइए। तो ये जो स्थापना आप लोगों की किस वर्ष हुई है, फटाफट बताइए, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। वर्ष 1906 में आप लोगों की जवाहरलाल नेहरू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आप लोगों का है वो स्टेब्लिश की गई थी एमपी के सागर जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर का नाम मुझे बताइए, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर का नाम क्या था। पहली पहली के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत पूछे जाएंगे, देख लेना, एग्जाम हॉल में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। बताइए कौन थे, फटाफट जितना जल्दी हो सके चीजों को मेंटेन कीजिएगा। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश, क्या बात है, सब लोग सही आंसर देने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं यार, लेकिन क्या बताएं आंसर दे नहीं पा रहे हैं, आंसर दे नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना, दे नहीं पा रहे हैं। तामस्कर जी का नाम ले रहा है कोई, किसी का नाम ले रहा है, लेकिन पांडे जी को कोई भी नहीं पूछ रहा है। भाई साहब, भाई साहब, कुंजीलाल दुबे जो आप लोगों का है विधि लिखने वाले थे, स्पीकर नहीं थे, है ना, समझ रहे हो, कुंजीलाल दुबे विधि, कुंजी को आप लोगों ने याद किया होगा, विधि। यहाँ जो आप लोगों का राइट आंसर है वो खासी प्रसाद पांडे होना चाहिए, खासी प्रसाद पांडे। एक बार आप लोगों को इतना कंफ्यूजन क्यों है आप लोगों का, जबलपुर से आप लोगों के थे डायरेक्टली, ए आप लोगों का राइट आंसर है। कोई कुछ भी मतलब फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं, बताइए। मध्य प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन आप लोगों का लगाया गया था, मध्य प्रदेश में जो आप लोगों का राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1977 में, फिर उसके बाद 80 में लगाया था, फिर 92 में लगाया था, 3 बार राष्ट्रपति शासन एमपी में लग चुका है। तो फर्स्ट टाइम जब आप लोगों के यहाँ लगाया था तो गवर्नर कौन था, बताइए। 1977 में जब अपने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उस टाइम पर आप लोगों का गवर्नर कौन था, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का गवर्नर मुझे बताइए कौन था उस टाइम पर। सॉरी नहीं शुक्ला जी, टाइम से आओ टाइम से, और आप लोग अब तो शेयर कर ही सकते हो यार, तुम लोगों के लिए बराबर चीजें दी जा रही हैं, अब तो आप लोग अपने मित्रों को बुला सकते हो, वन टाइम शेयर कीजिए, आज सभी को स्टेटस पर लगाना है, बिकॉज अब देखो यार कोई अपडेट होगा तो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो प्लीज आप लोग आज शेयर जरूर करना, और कभी का पता नहीं, ठीक है, प्लीज आप लोग आज शेयर जरूर करना। यहाँ पर चित्ररेखा, निशा, प्रियंका, कुछ लोग तो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नॉट एन परफेक्ट। ये जो आप लोगों का वाकई में राइट आंसर रहेगा तो यहाँ पर ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सत्यनारायण सिन्हा जी, मध्य प्रदेश के उस टाइम पर जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था 77 में, सिन्हा जी आप लोगों के थे। देखो राष्ट्रपति शासन एक ही बार लगा हुआ था, बीच बीच में गवर्नर, मतलब 3 बार लगा हुआ था, बीच बीच में गवर्नर चेंज हो गए, तो उसके रिगार्डिंग आप इसको ऐसा नहीं मानना कि 5 बार लगा हुआ है, ठीक है, 3 ही बार लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के इकलौते राज्यपाल जिनका जन्म आप लोगों का एमपी में ही हुआ है, घर में ही शासन, घर में ही दादागिरी, राज्यपाल बन के घर में ही, है ना, उनका नाम आप लोग बताइए कौन थे आप लोगों के। करवा दी शेयर,
थैंक यू सो मच, दबा के शेयर कर दो आज, है ना, बस आज आज नहीं यार, रेगुलर कर दिया करो, क्या दिक्कत है। तुम लोग यार बहुत मतलबी तो हो, जो तो मुझे भी पता है। अब देखो, मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब वो टीचर तो ऐसे पढ़ाते हैं ना, ऐसे पढ़ाते हैं। तो इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्रंट ऑफ डिजिटल बोर्ड, ठीक है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन शायद जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। इसमें कोई राइट आंसर नहीं दे पा रहा है क्या? यहाँ पर डी के साथ जा रहे हो, बल्कि नहीं है, नहीं है, पीवी सीतारमैया जो आप चाह रहे हो वो नहीं है। राज्यपाल के तौर पर पूछ रहा हूं मैं, कब आप लोग सुधरोगे, कब आप लोग सुधरोगे ये तो बता दो, कब सुधरोगे ये तो बता दो। ये बताइए, जनपद पंचायत का क्षेत्र, जनपद पंचायत का क्षेत्र यानी जो जनपद पंचायत आप लोगों का, देखो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है ना, जिला स्तरीय, फिर आप लोगों का जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो जो आप लोगों का जनपद पंचायत है वो आप लोगों का एक तरीके से किस स्तर पर, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट के रूप में काम करती है, या गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, या एक गांव के स्तर पर? तो बताइए आप लोगों का जनपद पंचायत के बारे में आप लोगों को बताना है, फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। समझ चुकी हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम आप लोगों का लागू है। तो इसके तहत यदि जनपद पंचायत की आप लोगों को बात करना पड़े, तो ये आप लोगों का विकास खंड, इन द सेंस डेवलपमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आता है, बी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। जिला पंचायत जिले में काम करता है, और ये गांव में आप लोगों का ग्राम पंचायत काम करती है, ठीक है, कोई समस्या इसमें आप लोगों का नहीं रहेगा। जो जिला पंचायत में आप लोगों के जो व्यक्ति आप लोगों के बैठते हैं ना जिले में, उन लोगों को, या भले ही जो जिला पंचायत में हो, जनपद पंचायत में हो, ग्राम पंचायत में, जो भी सदस्य होते हैं वो वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के और नाथूराम बैठा दिया वहां पर जाके, है ना, एकदम सिलेक्टेड कंटेंट बैठाया जाता है। जो वादे करते हैं, भाई साहब 5 साल में तुम्हारे घर एक भी बार लाइट नहीं आएगी, ठीक है, पूरे पूरे वादे करते हैं, पूरे 5 साल में एक बार भी यदि बल्ब जल जाए तो अगली बार हमारी सरकार मत बनाना तुम, ठीक है, अनाज का एक दाना नहीं देंगे तुम लोगों को, पूरा एकदम मैन्युफैक्चर बना करके सब लोगों को, है ना, और फिर इस तरीके से वोट मांगते हैं। अच्छा, वोट मांगने का तरीका बहुत शानदार रहता है, 5 साल तक तो दिखाने नहीं आएंगे, और वोट के टाइम पर भाई साहब पैरों में घुस घुस जाते हैं, अपन पीछों को होंगे, वो कहें नहीं अरे चाची बस तुम वोट हम ही को दी हो, है ना, बहुत बढ़िया मजा आता है उस टाइम पर। अच्छा ये बताइए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन नहीं रहा है, कौन नहीं रहा है बताइए, कौन आप लोगों का एमपी के राज्यपाल के रूप में आप लोगों का नॉमिनेट नहीं हुआ है? डॉक्टर बलराम जाखड़, ठाकुर साहब, भाई महावीर, या जस्टिस अंशुमान सिंह, बताइए कौन सा आप लोगों का लग रहा है जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पदभार के रूप में नहीं रहे? वेरी वेरी गुड, ये जो आप लोगों के हैं, मैं हिंट दे दूं कि एमपी के तो नहीं रहे हैं लेकिन राजस्थान के रहे हैं, है ना, इनका नाम है आप लोगों का जस्टिस अंशुमान सिंह, यानी कि जस्टिस अंशुमान सिंह जो आप लोगों के हैं डी वाले आप लोगों के, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। 1996 में आप लोगों के राजस्थान के न्यायपाल, सॉरी राज्यपाल, इनको नियुक्त किया था, और आगे काफी लंबे टाइम तक ये, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो गए तब तक आप लोगों के वहीं पर बैठे रहे, समझ रहे हो। चलिए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर वीरेंद्र कुमार सकलेचा? वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद एमपी के सीएम आप लोगों को बताना है कौन आप लोगों के बने थे, बताइए कौन बने थे। ये मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का ध्यान कहीं और है, बच्चों से बच्चे आते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, वो वाली बात है आप लोगों की, तो कुछ किसी के देखने के लिए आते हैं, कुछ किसी से मिलने के लिए भी आते हैं ना। वीरेंद्र कुमार सकलेचा का कार्यकाल आप लोगों को पता होना चाहिए, 78 to 80 आप लोगों का रहा था, 1978 से 1980 तक आप लोगों का रहा था।
इसके बाद आप लोग के सुंदरलाल पटवाजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के रूप में जो है धारण किया, यानी कि वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, सुंदरलाल पटवाजी आप लोग के बने थे उनके बाद, है ना। कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम उसके अंतर्गत आप लोगों का दिया गया था। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी आप लोगों के मौजूद हैं। निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की, किसके द्वारा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद आप लोगों का संभाला गया, देखना नहीं रिकॉर्ड ना टूट जाए ना, काफी लंबा टाइम ग्रहण किया है मामू ने। मामू बहुत लंबे टाइम से टिके हुए हैं सीट पर, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं भाई साहब, एकदम तसल्ली से बैठे हुए हैं और फिर से बन गए। अभी थोड़े टाइम के लिए हटे भी थे तो फिर से उनको ग्रहण कर लिया गया। तो कौन है आप लोगों के जो सबसे लंबे टाइम तक आप लोगों का बने हुए हैं, तो सबको अच्छे से पता है, पहली बार मामा 2005 में जीते थे और आज 2020 होने को है, सीट नहीं छोड़ रहे भाई साहब, है ना। डी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, डी इज योर राइट आंसर, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए आप लोगों का कि जब वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आप लोगों का अलग किया जा रहा था, उस टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब 2020 में आप लोगों का छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उस टाइम पर हम देखेंगे हमारे पास कुल 61 जिले थे, जिनमें से 16 वो बंदर ले गए, कौन? छत्तीसगढ़वासी। 12 आप लोगों के पास क्या थे? संभाग थे, वो 3 बंदर फिर से ले गए संभाग, है ना। तो कुल मिलाकर 45 जिले और 8 संभागों के साथ हमने अपने मध्य प्रदेश को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि 52 जिले बना दिए। मजेदार बात है अपने यहाँ, ठीक है। बहुत पीतल हुई थी क्या? अच्छा पिटाई हुई थी हमारी, बाट लगा रहे? किसकी बाट लगा रहे हैं भैया? अच्छा मामा बाट लगा रहे हैं। मामा ने तो यार धज्जियां उड़ा दी, कसम से कुछ भी कहो, मामा ने धज्जियां उड़ा दी उस टाइम पर। आप लोगों के दिग्विजय सिंह जी आप लोगों का देखा जाए तो वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। विभाजन के समय आप लोगों का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह जी आप लोगों के थे, ठीक। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा है, कौन आप लोगों का है जो आप लोगों का एक्टिंग गवर्नर नहीं रहा है, बताइए कौन आप लोगों का कार्यवाहक। मामा की बात कर रहा है, अरे मामा ने तो धज्जियां उड़ा के रखी है। मनीष भाई तुम्हारा ही कमेंट पढ़ रहे हैं, बताओ क्या हो गया। मनीष चाचा सब ठीक तो है ना? अच्छा बुधानी से विधायक हैं। अच्छा फिलहाल मुझे बताइए आप लोगों का कौन आप लोगों के एक्टिंग गवर्नर के रूप में नहीं रहे, किसके द्वारा एक्टिंग गवर्नर का कार्यभार आप लोगों का नहीं सौंपा है, या उनके द्वारा ये काम आप लोगों का या ये पद आप लोगों का नहीं लिया गया। तो ये जो आप लोगों को जीडी दीक्षित जी आप लोगों को देख रहे हैं, इनका नाम आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जीडी दीक्षित के नाम से आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि जेपी दीक्षित आप लोगों के एक्टिंग गवर्नर रहे हैं ना, जीडी दीक्षित आप लोगों के नहीं रहे। तो सी ही आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, सी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। पूरे सिक्वेंस के अकॉर्डिंग यदि आप लोग देखोगे तो पहले आप लोग के पीबी दीक्षित जी थे, जो कि 1966 में कुछ टाइम के लिए आप लोग के एक्टिंग गवर्नर के रूप में, कुछ ही दिनों के लिए, लगभग 5 से 6 दिनों के लिए आप लोग के बने हुए थे। इसी तरीके से हम सभी को देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का आयुक्त नहीं रहा है, चुनाव आयोग का आयुक्त तो कौन आप लोगों का नहीं रहा है, हर टाइम पर इनको चेंज किया जाता, नहीं तो ये बिक ना जाए, कोई सीट आप लोगों की बिक ना जाए, इसके लिए इनको समय समय पर चेंज कर दिया जाता है। फटाफट आंसर दीजिएगा, चुनाव आयुक्त के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा 1994 तब से आप लोगों का शुरुआती आयुक्त से अभी तक सभी के नाम आप लोगों को सिक्वेंस वाइज बता देता हूँ। फिलहाल आप लोग बताइए कि मध्य प्रदेश का इनमें से कौन नहीं रहा है। चंचला कहीं कोई, कहीं कोई, प्रियंका पटेल ने राइट आंसर दिया है भाई साहब। अवनी वैसे जो आप लोगों के हैं वो चुनाव आयुक्त के तौर में आप लोगों के मध्य प्रदेश में नहीं रहे हैं, ठीक है। स्पेशली टेन्योर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कौन कब तक के लिए आप लोगों का रहा है, ठीक है,
कौन कब तक के लिए आप लोगों का रहा है? बसंत प्रताप सिंह, अभी आप लोगों के वर्तमान में, ये भी याद रखना है, बसंत प्रताप सिंह आप लोगों के वर्तमान में चुनाव आयुक्त के पद पर मौजूद हैं, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में आप लोग के कौन है? थोड़ा सा ये टफ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कठिन हो सकता है थोड़ा सा। बता सकते हो मुझे इसमें क्या है? ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप पता नहीं आंसर कहां से दोगे। ये क्या है कि फरवरी 2021 में चेंज हुए हैं, इसीलिए मैं नाम पूछना चाह रहा हूं, कोई बता सके तो बता दो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टूटी फूटी। फिलहाल इसका आंसर देने की कोशिश करें सभी लोग, मैं जो बोल रहा हूं। क्या बफरिंग हो रही है आप लोगों को? फिर आप जा कहां रहे हो भैया? किसी ने भी नाम आप लोगों का नहीं दिया, रामेश्वर शर्मा दे रहा है, कहीं कोई कुछ दे रहा है। वर्तमान में आप लोगों का स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश को थोड़ा सा चेक करना, चेक करो यार, गिरीश गौतम जी हैं शायद, चेक कीजिए उसको, है ना, चेक करना। गिरीश गौतम शायद वर्तमान में, गिरीश गौतम है स्पीकर, पिछली विधानसभा के स्पीकर, ये आप लोगों का रामेश्वर शर्मा। अच्छा ये बताओ, पिछली मध्य प्रदेश विधानसभा 14 से 19 के स्पीकर आप लोग के कौन रहे हैं? क्लियर है, डी ही है, चलो ठीक है, तो फिर डी ही आप लोग का है। मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, क्योंकि मैंने विधानसभा की वो लिस्ट खोल के देखी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। बताइए 14 से 19 तक आप लोगों का एज अ स्पीकर कौन रहे? 14 से 19 तक कौन रहे बताइए? 14 से 19 तक आप लोगों को बताना है, एक फिक्स डेट आप लोगों को दे दी गई 14 से 19 तक। वेरी गुड यार, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों के कमेंट्स नहीं दिखते हैं आधे आते मुझे ना। सी ही है, सीतारमण शर्मा, ग्रीस गौतम, वेरी गुड, निशा मालवीय सही बोल रही है, ग्रीस गौतम ही है, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि फरवरी 2021 में अपडेट हुआ है ये, ठीक है, ये वाला मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। ये बताइए पिछली मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर जो 19 तक आप लोग की थी, तो सीतारमण शर्मा उनके लिए थे, सी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, सीतारमण शर्मा। ओके, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर आप लोगों को बताना है, बताइए कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर आप लोगों को बताना है कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर आप लोगों को बताना है कौन थे? वर्तमान के तो अभी अभी बताया है, फटाफट आंसर दो। अब तो आप लोगों को शायद डिटेल पढ़ने की इच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट यदि स्पीकर की बात की जाए तो ये आप लोगों के कौन थे? वेरी गुड, कोई भी नहीं बता रहा है, दुबे जी, विष्णु विनायक दुबे जी, कुंजीलाल दुबे। पहले यहां पर ध्यान से देख लेना, मध्य भारत विधानसभा लिखा है, मध्य प्रदेश विधानसभा नहीं है, सोच के आंसर देना, नहीं तो भावना के साथ बह जाओ। मध्य भारत विधानसभा का मतलब ग्वालियर इंदौर वाला रीजन आप लोगों का आता है, मालवा रियासत जो आप लोगों की आती है उनमें को हम लोग मध्य भारत विधानसभा के नाम से जानते थे 1948 के टाइम में। तो उस टाइम पर मुझे बताइए कौन आप लोगों के फर्स्ट स्पीकर के रूप में आप लोगों का यहाँ पर मौजूद था? वी एस कुंजीलाल दुबे, विष्णु विनायक सरवटे। तो यहां पर जो आप लोगों का आगे जो 56 वाली थी उसमें तो विष्णु विनायक सरवटे जी आप लोगे थे, ठीक है।
और उस टाइम पर मुख्यमंत्री राज प्रमुख के रूप में आप लोग का जीवाजीराव सिंधिया, सिंधियाओं का तो राज भैया शासन अभी भी चलता है, लेकिन कहे नहीं जाते, वो आते कल लगे हैं ना। कोई समस्या इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एएस एएस पटवर्धन जी आप लोगों के थे, ठीक है। चलिए ये बताइए आप लोगों का, हु वॉज द लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ नागपुर हाई कोर्ट। अंतिम क्वेश्चन है आज का आप लोगों का, चीफ जस्टिस ऑफ नागपुर हाई कोर्ट आप लोगों को बताना है, कौन सा आप लोगों का है। हाँ यही है सैलिस, वही बोला है आप लोगों का। ये बताइए नागपुर हाई कोर्ट, लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ नागपुर हाई कोर्ट। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ज्यादा लंबी क्लास यदि लेते हैं तो बेचारे आप लोग क्या है कन्फ्यूज हो जाते हो, पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। लंबी क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, और आप लोगों के लिए कुछ इनोवेटिव करने का भी कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कर लो, वो तो आना उन्हीं लोगों को है जो मैं नहीं देखूंगा तब भी आएंगे। और डिजिटली कुछ चेंज करने से मैंने सोचा कुछ इंप्रूवमेंट होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, तो वो भी नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। अब मैं समझ गया ये सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है आप लोगों का। यहाँ आप लोगों का एम हिदायतुल्ला बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, वी आप लोगों का राइट आंसर था। फिलहाल आज के लिए क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए यही थे। कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चंस को ऐड करने की कोशिश की जा रही है। प्लीज आप लोगों को एक छोटा सा सिस्टम और बता दूं कि यहाँ से हम लोग पोल भी जनरेट कर सकते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को एक ट्रायल के लिए करके बताता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि आगे आप लोगों को यहाँ पर क्लास कैसी लगी, कैसी लगी। हाँ अब बताना, ये पोल आया होगा आपकी स्क्रीन पर, पोल दीजिए, पोल में आंसर देना आप लोगों को, पोल में आप लोग आंसर भी दे सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सिस्टम भी बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में मौजूद हो जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ 45 रेट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। अब यदि किसी को कोई भी समस्या है तो मुझे बता सकते हैं। बाय द वे डिस्कशन आप लोगों का रेगुलर ऑन द वे रहेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए ऑन द वे रहेंगी। बोर्ड पर आप क्लिक करके बाद में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और हम सीधे मिलेंगे रात्रि 9 बजे, कितने बजे, रात्रि 9 बजे हम लोग मिलने वाले हैं, तो इसमें किसी को कोई इशू आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शैलेश, प्रियंका, चित्ररेखा, चंचला, सर पोल सिस्टम हो जाएगा तो स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। चित्ररेखा, पोल सिस्टम के लिए एक लैपटॉप अपन को और चाहिए होगा, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन बहुत ही जल्द थोड़ा सा, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी कमी है, और लोगों को जितना समझा उतना भी कमी है। एमपी पुलिस की एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा जब बच्चे आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदर लोग हैं। चलिए ओवरऑल आप लोगों का कौन सा राइट आंसर रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है, सभी चीजें सुपर्ब सेशन, थैंक यू सो मच। और यार प्लीज शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। क्लास तो मैं और लगा दूंगा फिलहाल, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ, लेकिन आज दोपहर 12 बजे की क्लास आप लोग की नहीं है, यहाँ तक आप ध्यान रखना, ठीक है।